लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य देव के उदय होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता है। सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण आधार सूर्य देवता कहलाते हैं। वैदिक काल से ही सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। पुराणों के अनुसार सूर्य देव की आराधना से आपको धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं, साथ ही घर में संपन्नता आती है। सूर्य उपासना का महत्व और इसके फायदों का वर्णन पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण नियमित रूप से सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य को जल का अर्घ्य देते थे। सूर्य की पूजा के बारे में भगवान राम के लिए भी कहा जाता है कि वे प्रतिदिन सूर्य को जल देकर उनकी पूजा करते थे। शास्त्रों में वर्णन है कि रोज सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए और बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को देवों की श्रेणी में रखा गया है। उन्हें भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का विशेष महत्व है। इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की किरणें शरीर में मौजूद कीटाणुओं को दूर कर शरीर को निरोग बनाने का कार्य करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है, इसलिए प्रातःकाल सूर्य देव के दर्शन से मन को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, साथ ही ये शरीर को स्फूर्ति भी देता है। प्रत्येक सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्योदय होता है। सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण होते हैं। हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। मिलता है मान सम्मान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ही वह ग्रह है जो व्यक्ति को सम्मान दिलाता है। नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। कार्य कौशल में होती है वृद्धि। जो लोग रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, सूर्य देव हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से मन एकाग्रचित होता है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति जटिल समस्या का समाधान भी चुटकियों में कर देते हैं। हर अंग पर पड़ता है प्रभाव। इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना होता है। इनमें से एक तत्व अग्नि भी है। सूर्य को अग्नि का कारक माना गया है, इसलिए सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती है, जिससे हमारा हृदय, आंखें तथा दिमाग सक्रिय हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने का तरीका। भारतीय परंपरा के अनुसार सूर्य देव को प्रातःकाल नहाने के बाद जल अर्पण करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही जल में लाल सिंदूर व लाल फूल डालकर भी अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। आशा करते हैं आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। आध्यात्म से जुड़े और भी वीडियोस के लिए देखते रहें लाइव सिटीज एस्ट्रो। चलते चलते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।